Hello everyone, welcome to the Mahindra Group official YouTube channel. So students, today we will discuss tricks of idioms and phrases, means how to learn idioms and phrases. So iske regarding hum log aaj baat karne wale. To aaiye lete hain sabse pehli slide, idioms and phrases ko kaise learn karna hai, right? First thing guys, pehle to aapko ek cheez pata hi hai ki idioms and phrases jo aapke samne aate hain, agar un words ko ratne ki bajaye thoda sa usko ट्रिक से या लॉजिक वे में या उस पर्टिकुलर पार्ट को कोई इमेज बनाते हुए अगर आप लर्न करते हैं तो डेफिनेटली आई कैन से दोज इडियम्स विल बी इजियर टू लर्न, राइट? आपके लिए बहुत ही आसान होगा याद करने में. जैसे फर्स्ट वर्ड है, दैट इज बैरी टू हैचेट. बैरी द हैचेट, बैरी द हैचेट मतलब होता है टू एंड अ हॉस्टेलिटी, मतलब हॉस्टेलिटी को खत्म करना. ठीक है, हॉस्टेलिटी को खत्म करने को हम कहते हैं टू बैरी द हैचेट, राइट? अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, लर्न करने की ट्रिक यहां पर है. आप देख रहे हैं बरी मतलब क्या होता है, बरी कर देना, उसको दफन कर देना, बरी कर देना यानी कि खत्म कर देना. तो जाहिर सी बात है यहां पर उसका रिलेट करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड को इससे, जिसका मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, राइट? सो गाइज, इन दिस वे दिस बरी द हैचेट मतलब टू एंड अ हॉस्टेलिटी. सेकेंड वर्ड वी हैव दैट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, राइट? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इररेगुलरली. Irregularly मतलब by fits and starts, मतलब fist है, फिर उसके बाद start है, फिर fit है, उधर है, फिर start हो रहा है, मतलब क्या है, something that is not regular. If something is going on continuously, if it is going on, it means वो continuous start है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कभी fits हो रहा है, फिर start हो रहा है, फिर fist हो रहा है, फिर start हो रहा है, मतलब that is not regular. इसका मतलब कैसे चल रहा है, irregularly हो रहा है, right? नेक्स्ट वी हैव दैट इज कैट एंड डॉग लाइफ. देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है cats and dog, raining cats and dog. वो रेनिंग कैट्स एंड डॉग होता है स्टूडेंट, जब कोई भी तेज बारिश होती है उसको हम कहते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट कैट एंड डॉग लाइफ, तो इसका मतलब होता है ट्रबलसम लाइफ. क्योंकि कुत्ते बिल्लियों का जीवन कोई खुशी वाला तो होता नहीं, ऐशो आराम तो होता नहीं बिल्ली कुत्तों को, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि कैट एंड डॉग लाइफ दैट इज ट्रबलसम लाइफ, बिकॉज देयर लाइफ आर यू नो ट्रबलसम. वो उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही दिक्कतों वाली होती है. क्लियर हो रहा है एवरीवन? सो इन दिस वे कैट एंड डॉग लाइफ को आप लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव दैट इज कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन. कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, मतलब गलत हाथ में कोई भी सही चीज का जाना, जिसको कहते हैं ना अंधे के हाथ बटेर लगना इन हिंदी, जिसको आप बोलते हो, राइट? सो गाइज यहां पर इस वर्ड को कास्ट पर्ल्स, पर्ल्स मतलब यहां पर मोतियों का कहां पे गया, स्वाइन के सामने. तो जाहिर सी बात है ये आप देख सकते हैं कि जब अच्छी चीज है दैट इज पर्ल्स, पर्ल्स एक अच्छी चीज है, बिफोर स्वाइन हुआ तो क्या हो गया, एक नेगेटिव थिंग के सामने अच्छी चीज का जाना, दैट इज अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. नेक्स्ट वी हैव दैट इज बेल द कैट. बेल द कैट मतलब घंटी बजाना, कैट की घंटी बजाना, मतलब क्या करना, अगर किसी कैट ने यहां पर बेल लगा रखी है तो उस जगह पे मान लो आप पहुंच के उसकी कैट क्या कर रहे हो, उसको बेल कर रहे हो, है ना, उसकी घंटी को ऐसे ही ये कर रहे हो, मतलब क्या है यार, आपको दौड़ा लेगी वहां पे. तो फाइनली आप क्या कर रहे हो, आप अपने रिस्क पर ये स्टेप ले रहे हो, मतलब बेल द कैट मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, खुद के रिस्क पर फर्स्ट स्टेप लेना, दैट इज बेल द कैट. अब गाइस चलिए देखते हैं यहां पर आप लोग का क्या स्कोर रहा है. जैसा कि हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी किया था, सेम थिंग वी विल डू ओवर हियर, वही चीज हम लोग यहां पे करेंगे और आप लोग अपना स्कोर चेक करेंगे हर एक के बाद, राइट? सो द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज बरी द हैचेट, इसका मतलब क्या है गाइस, क्या लगता है इसका, इस पर्टिकुलर इन सभी के ऑप्शन जल्दी से आप बताएंगे, आखिर इन लोगों के इन सभी के ऑप्शन क्या होने चाहिए, राइट? क्विकली जल्दी बताएंगे, यस क्विकली गाइस. ओके ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा गाइस, कम ऑन क्विकली. सो पहला जैसे दैट इज बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब आपके सामने ये रहा आंसर, दैट इज टू एंड अ हॉस्टेलिटी, मतलब उसको खत्म करना, लड़ाई झगड़ा हॉस्टेलिटी उपद्रव इन चीजों का अंत होना. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रहा है फिर चल रहा है, रुक रहा है फिर चल रहा है, इट मीन समथिंग दैट इज इरेगुलर, इरेगुलरली बोलेंगे. कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्तों बिल्लियों का जीवन कैसा होता है, क्या खुशी वाला होता है जीवन, तो ऑफकोर्स नॉट, इट मस्ट बी ट्रबलसम लाइफ. नेक्स्ट वी हैव दैट इज कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मतलब अच्छी चीज बुरे हाथ में जाना, दैट इज अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. एंड द लास्ट वर्ड वी हैव दैट इज बेल द कैट, इसका मतलब डेंजर, खुद के रिस्क पर लेना, राइट? मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, इसको हम कहते हैं बेल द कैट, राइट? सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कि आखिर इसका स्कोर यहां पर 5 में क्या स्कोर रहा, ये भी आप हमें टाइप करके बताते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज बाइट द डस्ट. बाइट द डस्ट का मतलब होता है, कहते ना धूल चटाना, उसने उसको धूल चटा दी गाइस. सो बाइट द डस्ट का भी मतलब कुछ ऐसा ही होता है, बाइट करना, भाई टेस्ट करना, बाइट करना किस चीज को, डस्ट को, तो जाहिर सी बात उसको गिरा दिया होगा जमीन पे, तो इसलिए इसको बाइट द डस्ट कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू.
अभी बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था और वो सडनली आपके सामने आ गई। लाइक अगर आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए आप मुंबई में आप यूहू बीच पे हैं, तो वहां पर एक सुनामी आ गई। सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, है ना, उसको किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है और वहां पर सुनामी आ गई। मतलब क्या हो गया, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, राइट। यानी ब्लू बोल्ट हो गया फ्रॉम दी ब्लू, ब्लू से आप ऐसे याद कर सकते हो कि एकदम आंखों के सामने अंधेरा हो गया, मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम वहां पे बहुत ज्यादा आ गई। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो करना वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद की ही ट्रम्पेट करना, मतलब अपनी ही बांसुरी बजाना, अपने ही धुन में रहना, उसको हम क्या कहते हैं, टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। लोग बोलते हैं ना ऐसे, यार वो अपने ही तारीफ करता रहता है, अपने में ही मस्त रहता है। सो इट मीन्स वॉट, इट मीन्स आप कहते सकते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जो खुद के ही बांसुरी बजाता है, राइट, मतलब खुद के ही सुनता है। बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, कंटेंशन का मतलब होता है दिक्कत, मतलब बोन कह सकते हो आप, बैकबोन कह सकते हो, कंटेंशन मतलब आप कह सकते हो बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब जो बात की जड़, जिसको आप कहते हैं ना बात की जड़, मतलब क्या हो गया वहां पर, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हियर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मींस होता है जो लड़ाई झगड़ा, जिसको आप कह सकते हैं दैट इज डिस्प्यूट, राइट। सो गाइज यहां पर डिस्प्यूट का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया। सो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट टू अ डिस्प्यूट, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट वी हैव बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ध्यान से समझो, बिटवीन बीच में है, द डेविल एक तरफ शैतान और दूसरी तरफ बहुत ही गहरा समुद्र, और उसके बीच में क्या है, क्या अगर कोई भी है, इसका मतलब बहुत ही खतरनाक, टू डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच में होना, राइट, यानी बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, दैट इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। गेटिंग दिस एवरीवन, सो इन दिस वे इसका मीनिंग आप लोग को आइडिया लग गया। अब चलिए टेस्ट करते हैं यहां पर क्या आया आपका स्कोर कार्ड। सबसे पहला बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, अगर किसी को धूल चटाया गया तो क्या हुआ, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, क्या हुआ था, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने ही धुन में रहना, उसको हम क्या कहेंगे, बोन ऑफ कंटेंशन, खतरे की मतलब बोन ऑफ कंटेंशन, मुसीबत की जड़, जिसको आप कह सकते हैं क्या होना चाहिए, एंड बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। कम ऑन गाइस क्विकली, जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए इसका आंसर। श्री वर्मा, राधिमा, अग्निहोत्री, क्विकली जस्ट आंसर दिस वन क्विकली। रश्मि, जानवी, शुभम, रश्कर, देवयानी, एवरीवन इज टाइपिंग ऑप्शन नंबर फिफ्थ फॉर दिस वन। क्या मतलब, पहले वाले का आंसर आप लोग देना शायद स्टार्ट कर चुके हैं, तो गाइस बिल्कुल सही है, दैट इज बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड, बिल्कुल सही। चलिए सेकंड बताइए, बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू, ऑफकोर्स इसका आंसर होना चाहिए जो कि आपकी तरफ से आ चुका है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने ही धुन में रहना, मतलब खुद की तारीफ करना, ऑप्शन नंबर, यू नो इट इज इट्स ऑप्शन नंबर फोर्थ, राइट। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होना चाहिए, यानी कि दिक्कत करना, मतलब कह सकते हो आप उसको, सब्जेक्ट टू अ डिस्प्यूट, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू ऑफ द डिस्प्यूट। एंड लास्ट वी हैव दैट इज बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, मतलब क्या होना, दिक्कत में होना, खतरे में होना, है ना, बहुत सिंपल है ये सारे सारे वर्ड। सो आई होप एक आइडिया लग रहा हो गाइज, ये 10 में आपका स्कोर क्या आया, ये भी आप हमें यहां पर टाइप करके जल्दी बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं गाइज। फेयर एंड स्क्वायर, इट मीन्स होता है इन एन ऑनेस्ट वे, जैसा कि आपको दिख रहा है, फेयर, फेयर है, अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, इसका मतलब क्या है, इन एन ऑनेस्ट वे, सही तरीके से। एक और होता है फेयर वेदर फ्रेंड, ये जैसे फेयर एंड स्क्वायर है गाइस, वैसे एक और होता है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मींस होता है अच्छे समय का साथी, बुरा समय आए तो पक्का भागेगा, राइट, उसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, राइट। सो इन दिस वे गाइस, अभी यहां पर फ्रेंड की बात नहीं, दिस इज फेयर एंड स्क्वायर, विच मींस इन एन ऑनेस्ट वे, राइट। ईट हम्बल पाय, ईट हम्बल पाय मतलब क्या है, किसी चीज को खाना, हम्बल, देखो ईट कर रहा है हम्बल चीज को, मतलब क्या कर रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है ना, कोई भी बंदा अगर हम्बल है ऐसे करके, सो मतलब क्या है, ही अपोलोजाइजिंग, वो अपोलोजाइज कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ईट हम्बल पाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइस। नेक्स्ट वी हैव दैट इज डंगीज ईयर, गधों का दिन, गधों के दिन को हम बोलते हैं लॉन्ग टाइम, जो भी कभी नहीं आता, राइट, यानी एक लंबा समय, जैसे एक बोलते हैं ना गधों का साल, कहते हैं ये डंकी का साल होगा, तो यार आप सिंपल सा मुझे ये बताओ, जब कभी भी किसी को, जैसे लोग बोल देते ना, कोई स्टूडेंट को अगर पढ़ाई कर रहा है और पढ़ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, या वो कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा, तो टीचर्स लोग उसको क्या बोलते हैं, गधे हो तुम, तो गधे हो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको कुछ आ नहीं रहा है, और जो आ नहीं रहा है वो उसका फ्यूचर बहुत ही खतरे में होता है, राइट। तो इसका मतलब ऐसे लोगों का दिन नहीं आता, तो ऐसे लोगों का दिन कब आएगा, एक लंबे समय के बाद, उस लंबे समय का कोई एंड नहीं, राइट। सो दैट इज डंकीज ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींचना, कहते हैं ना एक लाइन होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, तो उसको कहते हैं सेट अ लिमिट, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं ड्रॉ अ लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट वी हैव दैट इज एल्बो रूम. एल्बो रूम किसको कहते हैं? एल्बो रूम. अभी एल्बो का रूम से क्या कनेक्शन है? आपने देखा मीनिंग क्या निकल कर रहा है? सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन. मतलब आप कह सकते हो स्वतंत्रता की अवस्था में है ना, उसको आप कह सकते हैं. ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पे आप पूरी फ्रीडम है. अब आप यहां पर सिंपल सा इसको कनेक्ट करने की कोशिश इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई रूम है आपका है ना, अगर वहां पे आपका पर्सनल रूम है, वहां पे सेपरेट है, आप वहां पे फ्रेंड्स लोग के साथ नहीं रह सकते, तो कैसे भी रहो आप उधर को जमीन में लेटो, बेड पे लेटो, सीधा लेटो, उल्टा लेटो, एल्बो की साइड से लेटो, जो मर्जी करो. मतलब आपको क्या है, पूरी फ्रीडम है. और अगर वहां पे आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो बड़े आराम से, या कहीं भी है ना फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो. आज के टाइम में तो लोग फ्रेंड के साथ भी कुछ भी कैसे भी रहते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखो तो फ्रीडम, पूरी फ्रीडम कब होती? जब वहां पर आपके लिए सफिशियंट स्कोप हो, पूरी फ्रीडम हो. तो यहाँ पर एल्बो रूम का मतलब हो गया सफिशियंट स्कोप और मूव अ फंक्शन. या तो कह सकते हैं दिस इज जस्ट अ वर्ड व्हिच इज फ्रीडम, राइट. नेक्स्ट वी हैव गाइस, सो यहाँ पे फाइव वर्ड्स के बाद अब हमें चेक करना है अपना स्कोर क्या आता है. फेयर एंड स्क्वायर, व्हाट इट मीन गाइस? फेयर एंड स्क्वायर, एज दिस फेयर वर्ड इज गिवन, सो ऑफ कोर्स जहां तक मैं आपके आंसर देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही है, इट्स ऑप्शन नंबर फिफ्थ इन एन ऑनेस्ट वे. सेकंड वी हैव दैट इज ईट हम्बल पाए. क्या होना चाहिए गाइस, कम ऑन क्विकली. ईट हम्बल पाए जो करेक्ट है इसका आंसर है, दैट इज टू अपोलोजाइज, दैट इज ईट हम्बल पाए. गाइस नेक्स्ट वी हैव दैट इज डंकीज ईयर. गधों का दिन कब आता है? कभी नहीं आता, राइट. उसको बोलेंगे इट्स लॉन्ग टाइम गाइस, इट्स नॉट लिंग टाइम, इट शुड बी लॉन्ग टाइम, ठीक है. एल ओ एन जी कर लीजिएगा, इट्स लॉन्ग टाइम, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज ड्रॉ अ लाइन. अगर एक लाइन को ड्रॉ करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट मस्ट बी सेट अ लिमिट. एंड लास्ट वी हैव दैट इज एल्बो रूम. मतलब पहला वाला लगाएंगे क्योंकि एक ही बचा हुआ है ना. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि कैसे हमें इनको लर्न करना था. चलिए नेक्स्ट लेते हैं गाइज. नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपके सामने, 14 विंग्स. क्या लगता है 40 विंग्स मींस? होता है नैप, एक शॉर्ट नैप, एक हल्की सी झपकी, ऐसे जो होता है ना उसको कहते हैं, राइट. 40 विंग्स, तो इस टाइप से आप 40 विंग्स को कनेक्ट करने की कहीं से कोशिश करो कि है ना, समझ पा रहे हो, तो उसको कहेंगे हम 40 विंग्स. मतलब होता है अ नैप या अ शॉर्ट नैप, एक छोटी सी जो झपकी होती है. जैसे कभी कभी क्या होता है, ऑफिस में बैठे होते, काम कर रहे होते, फिर थोड़े से टायर्ड हो जाते, फिर ऐसे आंख बंद होती है और यूं करते, तो वो क्या है, दैट इज अ नैप, मींस दैट इज द 40 विंग्स, राइट. नेक्स्ट वी दैट इज फैंसी प्राइस. किसी भी चीज का फैंसी प्राइस अगर पे करते हैं, इसका मतलब एट एनी कॉस्ट या डिमांडेड प्राइस या हायर प्राइस जिसको आप कह सकते हैं, राइट. सो फैंसी प्राइस का मतलब होता है किसी भी कीमत पे या डिमांडेड प्राइस. हम कहीं भी अगर मान लीजिए कहीं कुछ गए, मान लीजिए कोई पर्सन सूट लेने गया है ना, टैक्सीडो लेने गया, और उसने टैक्सीडो दिखाया शॉपकीपर ने, पूछा कितने का है, आप उस शॉपकीपर आपने पूछा कितने का, उसने कहा 35,000 का. अब 35,000 का टैक्सीडो था, इट मींस ये क्या था, ये इट वाज अ फैंसी प्राइस ऑफ दैट टैक्सीडो, राइट. सो वो 35 प्राइस नहीं वो, और आपने क्या किया, उसको लेकर चले आए क्योंकि आपको पसंद आ गया था वो टैक्सीडो जो 35,000 का था. इसका मतलब आप वहां पे बोलेंगे कि यू नो उसका जो प्राइस था इट वॉज फैंसी प्राइस. नेक्स्ट वी हैव दैट इज फेयर इन द कैप. देखो फेदर इन द कैप, अपने ही कैप में, यानी कैप में फेदर का होना मतलब क्या होना, एडिशनल सक्सेस. देखिएगा जैसे मतलब क्या होता है कैप में फेदर का होना, जैसे आप देखते हो ना कृष्ण जी क्या लगा के रखते हैं, ऐसे यू नो उसका पिकॉक का लगा के रखते हैं ना फेदर, तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो किंग लोग होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ लगा होता है इधर साइड, है ना. तो ऐसे याद करने की कोशिश करो कि एक कैप है और कैप में इधर को फेदर लगा है, मतलब आप सक्सेस तो हो लेकिन एडिशनल यहाँ पे लग गया, एडिशनल सक्सेस है ये रहा. इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, राइट. सो दिस इज फेयर इन द कैप, आप इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव गेट इनटू हॉट वाटर. गर्म पानी में पड़ना मतलब क्या, दिक्कत में हो जाना है ना. ठंडे पानी में तो मजा आता है, अभी गर्म पानी में किसी को डाल दो बेचारे को क्या होएगा उधर को. सो गेट इनटू हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में, मान लो आप समझो यहाँ पे यू नो वाटर बॉइल कर रहा है और उसमें उठा के किसी को ऐसे कुछ सेकंड के लिए डाल दिया, ऐसे करके बाहर आएगा, राइट. इसका मतलब वो क्या हुआ, गेट इन टू ट्रबल. एंड लास्ट वी हैव दैट इज फूल्स पैराडाइज. फूल्स आ गए, इसका मतलब कुछ इसी से रिलेटेड है. सो अ स्टेट ऑफ बींग हैप्पी और फुलिश और अनफाउंडेड अनफाउंडेड रीजन, मतलब बिना किसी कारण खुश हो रहा है. स्टेट ऑफ बींग हैप्पी और फुलिश, फॉर फुलिश है ना, तो उसको हम बोलते हैं फुलिश पैरा, सॉरी फूल्स पैराडाइज. अब गाइज यहां पर अब इस देख लेते हैं इसका स्कोर क्या आता है. ये रहे आपके सामने क्वेश्चन विद देयर ऑप्शन. कम ऑन गाइज, 40 विंग्स. सो 40 विंग्स का क्या होगा, फेदर विंग्स होता है आनंद पंख जिसको कहते हैं, ठीक है, पंख होता है ना, पंख पक्षियों के पंख होते हैं, तो दैट इज फेदर. गॉट इट, टेल मी आंसर ऑफ दिस वन. 40 विंग्स इसका मतलब होगा आपके सामने, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज अनैप. सेकंड है आपका फैंसी प्राइस. क्या होगा इसका, हाई प्राइस.
डिमांडेड प्राइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट अपने पास है फिदर इन द कैप. कैप में फिदर होना मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए सोनू भरद्वाज जल्दी बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर. अगर कैप में फिदर है, फिदर इन द कैप मतलब कैप में फिदर का होना, इसका मतलब हो गया एडिशनल सक्सेस. गेट इनटू हॉट वाटर मतलब क्या है, दिक्कत में आ जाना, गेट इनटू ट्रबल. एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव उसका भी लास्ट ही होना चाहिए. सो गाइज इस टाइप से ये रहे आपके सामने इनका आंसर. चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड और है अपने पास. दैट इज क्राई फॉर द मून. मून के लिए चिल्लाना मतलब चांद के लिए चिल्लाना, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए. अब यार मून किसको मिलता है, मतलब क्या है, टू डिजायर द अनअटेनेबल, ऐसी चीज जिसको आप हासिल नहीं कर सकते उस चीज की इच्छा करना. मुझे चांद चाहिए तो चांद चाहिए, है ना. अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो थोड़ा सा फाइनेंशियली पुअर है और वो बंदा कहे मेरे को ना जगुआर चाहिए, मेरे को जगुआर चाहिए, तो जगुआर उस टाइम उसका डिमांड करना मतलब ही इज क्राइंग फॉर द मून, राइट. He is crying for the moon if he is crying, if he doesn't deserve that and still demands for that, right? So, इसका मतलब वहाँ पे बोल सकते हैं, to desire the unattainable, मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप attend नहीं कर सकते, उसको नहीं पा सकते, फिर भी उसकी desire करना, clear है? तो that is cry for the moon. Go through fire and water. Fire से कभी गुजरना, कभी water से गुजरना, मतलब बहुत ही खतरनाक आदमी होगा जो इनसे गुजर गया. इसका मतलब क्या है, वो brave person है जो हर एक situation को handle कर सकता है, हर एक situation को फेस कर सकता है. तो टू ब्रेव एनी डेंजर, टू फेस एनी डेंजर, ब्रेव एनी डेंजर मतलब टू फेस एनी डेंजर ब्रेवली, राइट. उसको हम कहते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर. क्लियर है, समझ पाएगा इसको. यानी जो वाटर से भी जा रहा है, जो फायर से भी जा रहा है, मतलब वो शक्तिमान है पूरा का पूरा, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, टू ब्रेव एनी डेंजर, यानी टू गो थ्रू एनी डेंजर, जो किसी भी डेंजर से गुजर सकता है, कोई भी डेंजर को फेस कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव गिव अप पीस ऑफ माइंड, मतलब अपने माइंड का थोड़ा सा पीस किसी को देना, मतलब क्या करना, उसको डांटना. मतलब आप जब डांटते हो तो आपका अटेंशन कुछ उसकी तरफ जाता है ना. मान लीजिए छोटा भाई पढ़ नहीं रहा, आप भी स्टडी कर रहे हो, आपका छोटा भाई भी साइड में स्टडी कर रहा है, लेकिन स्टडी आपकी आराम से चल रही है, छोटा वाला भाई क्या हुआ, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो पता नहीं क्या कर रहा है, बुक में कोई फोटो लगा के रखी उसने चुपके से. तो आपने क्या किया, वहां पर जैसे ही देखा कि वो स्टडी नहीं कर रहा, आपने उसको डांटा, ये क्या कर रहे हो. इसका मतलब आपने अपने माइंड का थोड़ा सा टेंशन या थोड़ा सा पीस उसकी तरफ डाला. तो दैट इज गिव अ पीस ऑफ माइंड, मतलब टू रिब्यूक और स्कॉल्ड, स्टे बोलिंग. नेक्स्ट वी हैव दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी डन. मतलब आप सिंपल से कह सकते हो क्राई ओवर स्पिल्ड हो गया है मिल्क. बॉइल जब करते हैं, मिल्क बॉइल करते हैं तो क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है ना. मतलब अगर टाइम पे नहीं उसको देखा तो मिल्क बाहर आ जाता है ना उस बॉल से. तो आप यहाँ पे उसी से कर सकते हैं कि रिग्रेट इन वेन, फालतू में पछतावा करना, फॉर व्हाट कैन नॉट बी डन, जो आप कर नहीं सकते. मतलब दूध बाहर आ गया, वो जमीन में फैल गया, कुछ कर सकते हो यहाँ पे, है ना, कुछ नहीं कर सकते ना भाई. मिल्क तो बाहर आ गया, अभी उसको फिर से उठा के तो डालेंगे नहीं, बिकॉज वो तो डर्टी हो चुका है. सो वहां पर आप उसके लिए मतलब रिग्रेट कर रहे हो अब इन वेन, जो फालतू की चीजें हो चुकी है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट है डेड लेटर. ऐसा लेटर जो डेड हो चुका है, और लेटर मतलब क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनेंस, लॉ या ऑर्डिनेंस, जो अब कोई भी यूज में नहीं है या जो अब गवर्नमेंट बंद कर चुकी है, उसको हम कहते हैं डेड लेटर. यानी एक ऐसा लेटर जो डेड हो चुका है, अब नहीं चल रहा है ना. लेटर अब डेड हो चुका है मींस ये हुआ कि अब वो लेटर नहीं चल रहा है. मतलब लेटर का डेड होना मतलब वो रूल्स का डेड होना. आर गेटिंग, ऐसे कोई रूल्स थे, ऐसे कोई ऑर्डिनेंस था, ऐसा कोई लॉ था जो चल रहा था पहले, अभी उसको बंद कर दिया गया या अब वो नहीं चल रहा है या उसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट पॉइंट इज नोन एज डेड लेटर. सो इन दिस वे गाइज इसको कंप्लीट किया. चलिए चेक करते हैं क्राई फॉर द मून क्या होना चाहिए. मून के लिए चिल्ला रहे, मून चाहिए, मून चाहिए, मून चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, कम ऑन. टू डिजायर द अनअटेनेबल, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट वी हैव गो थ्रू द ग्रो थ्रू फायर एंड वाटर. पानी और यू नो फायर से गुजरने वाला कौन होता है, शक्तिमान. अभी इसमें शक्तिमान कौन सा है, क्विकली जल्दी बताओ. टू ब्रेव एनी डेंजर, ऑफकोर्स बिल्कुल सही आंसर है आपका. नेक्स्ट वी हैव गिव अ पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड का थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरे को देना, मतलब क्या कर देना, क्या करने रहा, उसको डांट फटकार लगाना, बेटा पढ़ लो, एसएससी क्रैक कर दी है. ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाएंगे यहाँ पे, टू रिब्यूक और स्कॉल्ड. नेक्स्ट वी हैव दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्या होना चाहिए. अगर मिल्क बाहर चला गया कोई फायदा है, रोने से कोई फायदा है कि रो लेंगे तो मिल्क अंदर अपने आप आ जाएगा उधर को, नहीं ना. क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हो सकता है. ऑफकोर्स इट मस्ट बी विच ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर फिफ्थ रिग्रेट इन वेन है ना, और लास्ट है जैसे उसका होना चाहिए एक ही लॉ और ऑर्डिनेंस मतलब डेड लेटर। ठीक है, सो आई होप यहां पर इतने सारे ईडियम्स हम लोगों ने डन किए, आप लोगों को ये सारे ईडियम्स क्लियर हो गए होंगे। इट वॉज इट दे वर यू नो इट 25 idioms I think they were, so ये 25 idioms आप लोगों ने easily learn किया होगा। अगर learn हो गए तो आप यहाँ पर like तो जरूर बनता है, comment करके जरूर बताइएगा ये trick कैसी लगी learn करने की, share कीजिए friends and relatives से सब जगह, so that they can easily learn these idioms and they can learn not only idioms but also trick how to improve it, right? So इस type से इसको करेंगे, subscribe कीजिए हमारे channel को, फिर मिलेंगे नए show में नए धमाकेदार topic को लेकर। Till then, thank you.